वाल्मीकि जी की कथा सुनी होगी ना, कि ये भी पहले रत्नाकर डाकू थे महाराज, चोरी किया करते थे, डाका डालते थे, किसके लिए? परिवार जनों के लिए, परिवार का पेट पालने, वही पुत्र वही पत्नी वही परिवार। लेकिन जब नारद जी से इनकी भेंट हुई तो नारद जी ने कहा कि ये क्या करते हो, तो कहा अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ भी जीव करता है महाराज, लोभ हम किम न करो ती, तो लोभ बस हो करके और परिवार को चलाने के लिए सांसारिक जीव क्या नहीं करता है, तो महाराज इसीलिए तो चोरी करता हूँ डाका डालता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि जाओ और जिनके लिए चोरी करते हो डाका डालते हो एक बार पूछ करके आओ, क्या तुम्हारे पाप में ये तुम्हारे भागीदार बनेंगे। दौड़ करके गए, पूछ करके आया, सबसे पूछा, सबने कहा कि तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम हमारे पति हो, किसी ने कहा तुम हमारे पुत्र हो, इसलिए हमारे लिए धन अर्जन करके लाते हो और हमारा जीवन चलाते हो, हम तो पाप में भागीदार नहीं है, सिर्फ हम अपना पेट पाल रहे, तुम पाल रहे हो और हम अपने पेट को चला रहे महाराज, तो हम तो तुम्हारे किसी भी बुरे कर्म में भागीदार नहीं है। तो यहीं से इनके जीवन में बदलाव आया और रत्नाकर डाकू ही कब बन गए वाल्मीकि पता भी नहीं चला, कि जब कोई जाने वाला ही नहीं संसार से साथ में, तो इनके पेट के लिए हम व्यर्थ में अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों के साथ हिंसा करते हैं, क्या ये जाएगा आपके साथ अंत समय? जब संसार से जाओगे तो कोई नहीं जाएगा, सिर्फ अपना कर्म जाएगा। कहते हैं अपने ही साथ रहते हुए अपना ये शरीर साथ नहीं जाएगा, सिर्फ ये आत्मा सूक्ष्म रूप लेकर के उस परमात्मा में मिलेगी। और मृत्यु का अर्थ ही होता है कि जिस दिन आप अपने कर्मों का पूर्ण रूपेण भगवान के सामने वही खाता खोलोगे, वही है मृत्यु का दिन, कि जीवन भर तुमने क्या पाया, क्या खोया, क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, इसका जिस दिन हिसाब देना होता है वही है मृत्यु का दिन। और मृत्यु कुछ भी नहीं है महाराज, मृत्यु का अर्थ ही है कि दृश्य से अदृश्य हो जाना, अर्थात ये शरीर जो है ये दृश्य है, अभी दिख रही है, लेकिन ये जब मृत्यु आएगी, आत्मा इसमें से निकली, तो ये अदृश्य हो गई। तो जब ये अदृश्य होगी तो कोई आपके साथ नहीं जाएगा, सिर्फ अकेले ही उसके धाम तक जाना है, पत्नी मकान तक, संसार शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और उसके बाद अकेले ही यात्रा करनी है भगवान के धाम तक। इसलिए हरि का भजन करिए, आदि शक्ति के चरणों में विश्वास बनाइए और विश्वास में ही परमात्मा का वास है महाराज।